नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में आप ऐसा कौन सा आईटी कोर्स करें जिससे आपकी कैरियर बहुत अच्छा बन सके और आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल सके। मार्केट में बहुत सारे आईटी कोर्सेस आप लगातार सुनते हैं, आप सी सुनते हैं, सी प्लस प्लस सुनते हैं, जावा, पीएचपी, बात है डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, विंडोज एंड लाइनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। इतने सारे कोर्सेज में अगर आपका दिमाग घूम जाता है कि मैं क्या करूँ, किस कोर्स से मेरा कैरियर बन सकता है, तो मैं आपको एक मंत्र बताना चाहता हूँ जिससे आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम ये चुने कि हम कौन से कोर्स को करें। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, आप ये देखें कि आप जिस सिटी में इस समय निवासरत है उस सिटी में ऐसी कौन सी आईटी कंपनियां हैं जो आईटी कंपनियां इस समय जॉब ऑफर कर रही है और क्या वो डिमांड कर रही है। जैसे कि हम लोग अभी जबलपुर में करेंटली है, तो जबलपुर में जब एनालाइज किया गया तो इसमें सबसे ज़्यादा पीएचपी और कोड इंटरनेट और लारावेल को हम लोगों ने ज़्यादा देखा। जब हमने इंदौर को एनालाइज किया तो वहाँ पर हमने देखा कि लारावेल काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी डिमांडिंग है। तो आपके शहर में जिस कोर्स की ज़्यादा डिमांड है आप उस कोर्स को सबसे पहले ज्वाइन करके मास्टरी करें और अपने शहर के आईटी सेक्टर की कंपनियों को ज्वाइन करें। अगर आप बाहर जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अपने शहर पर जॉब ना करके वो बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि उनको बाहर सैलरी पैकेज अच्छा मिलता है, जैसे हैदराबाद बेंगलोर की तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो एक बार आप हैदराबाद बेंगलोर पुणे में जाके देखिए कि कौन सी आईटी कंपनी आप विजिट कर रही है, वहाँ पे क्या सैलरी स्ट्रक्चर आपको ऑफर हो रहा है और कौन कौन से कोर्सेज में ज़्यादा जॉब ऑफरिंग से आपको मिल रही है, फिर उस लैंग्वेज की आप ज़्यादा तैयारी करें। तो आपको जो टारगेट जिस सिटी को आप कर रहे हो उस सिटी के आईटी डेवलपमेंट के अनुसार आप तैयारी करें। और मेरा ये आपसे मशवरा है कि आप जो भी आईटी लैंग्वेज को तैयार कर रहे हैं उस पर्टिकुलर आईटी लैंग्वेज को पूरा 100% तैयार करने का सोचें, क्योंकि आईटी कंपनीज में कोई भी आईटी लैंग्वेज को 100% जब तक आप तैयार नहीं करते, जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा नहीं होता है, तब तक आपको उस आईटी कंपनी में जाने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं करेंटली आपको इस वीडियो में 5 ऐसे लैंग्वेजेस बता दे रहा हूँ जिसकी तैयारी आप जरूर कर लें। सबसे पहले आप C++ और C लैंग्वेज की तैयारी करें। अगर आप किसी कैंपस में बैठना चाहते हैं तो C और C++ को तैयार जरूर करें, साथ में डेटा स्ट्रक्चर की तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट्स में C++ का डेटा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग होता है। साथ ही साथ अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, जैसे आप PhD के एग्ज़ाम की तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, तो C++ डेटा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, आप जावा अपना मजबूत कर ले, जावा में भी अगर आप कोर जावा मजबूत कर ले तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है और इससे आप बहुत सारे कैंपस रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं। तीसरा जो है वो है पाइथन, जो कि मेरा फेवरेट भी है। आप पाइथन को बहुत अच्छा तैयार करें क्योंकि उसमें कोडिंग्स मिनिमम रहती है, लाइब्रेरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको मिलती है, तो आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस समय सबसे ज़्यादा कैरियर और पैसा है। चौथा जो मैं प्रीफर करता हूँ वो है PHP। आप PHP से वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट पर जरूर काम करें और PHP के बहुत सारे ताकतवर फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे लारावेल है, जेंड है, इन पे काम करें और इन पे आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। और पांचवा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखें, क्योंकि सारी संस्थाएं जितनी भी आज है वो डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं करवाती है और डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक्सपर्ट्स की मार्केट में बहुत ज़रूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग आप किसी अच्छे संस्थान से करें और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको अच्छा आता है तो आप अपने स्वयं के बिजनेस को भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 5 लैंग्वेजेस बताए और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप किसी लैंग्वेज का चयन करें अपनी सिटी के अनुसार। इसी तरीके के और भी आईटी रिलेटेड वीडियोस मैं लगातार आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो मैं अमित सर विस्तार इंस्टीट्यूट से, और जल्दी हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम और भी आईटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।